लास्ट रन पे चैप्टर स्टार्ट किया था हीरोइंस के सूत्र, और इसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं, जैसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए कैसे हम उसकी एरिया कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला है जिससे हम उसका परिमीटर निकाल सकते हैं। तो इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब हम आपकी एक्सरसाइज 12.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको खुद से सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 11, इतने क्वेश्चंस आपको 12.1 से करने हैं। दिस वीडियो इज फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की जो बुक है मैथ्स की, उससे आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व। अब हम उसमें से कुछ क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे, कुछ जो आपको नहीं आ रहा है आप खुद से ट्राई करेंगे और फिर आप उसको पूछ सकते हैं। तो हम आपको सिंपल तरीके से बताते हैं कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालो जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पार्ट है, आपको तीन साइड्स दी हुई है ट्रायंगल की और उनका लेंथ दिया है 21 मीटर्स, 17 मीटर्स और 10 मीटर्स। 21 मीटर्स, 17 मीटर्स और 10 मीटर्स। इसमें ये साइड है 21 मीटर्स, कोई सा भी साइड कुछ भी बना सकते हैं आप, 17 मीटर्स और ये हो गया 10 मीटर्स। आप ये देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल बन रहा है वो स्केलिंग ट्रायंगल है, यानी कि तीनों साइड्स अलग अलग है। कैसा ट्रायंगल बन रहा है? स्केलिंग ट्रायंगल। आपको पता है कि अगर डायग्राम में हमें स्केलिंग ट्रायंगल दिया गया है तो उसका एरिया निकालने के लिए हमें हीरोइंस के सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, हीरोइंस का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हमें एस निकालना पड़ेगा। एस को हम सभी पेरीमीटर कहते हैं। 21 प्लस 17 प्लस 10 बाय 2 कितना हो जाएगा? 48 बाय 2 दैट इज 24। एस आ गया 24। अब एरिया यानी कि एरिया कितना हो जाएगा आपका? फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर एस हमने अभी कैलकुलेट किया, 24 आया है, उसको हम सेमी पेरिमीटर कहते हैं। यूनिट जरूरी है, आपको यूनिट जरूर मेंशन करिए। और एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, अगर हमारे पास ए बी और सी ट्रायंगल्स के साइड है तो इस तरीके से हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। एस की जगह हमें लगता है 24 इंटू 24 माइनस 21, 24 माइनस 17, 24 माइनस 10। अब ये वैल्यूज निकाल के आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, आपको एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के चार पार्ट्स हैं, वो चारों पार्ट आपको खुद से सॉल्व करने हैं। जो अगला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6, किसी त्रिभुजाकार पीतल की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसकी भुजाएं 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से जिस तरीके से हमने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम मेथड से हम वापस से उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक त्रिभुजाकार पार्क यानी कि एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसका जो पेरीमीटर है यानी कि परिमाप है वो 180 मीटर है। जरूरी है कि आप इंग्लिश के टर्म्स और हिंदी के टर्म्स दोनों को साथ में लेके चलें। तो पेरीमीटर आपको दिया है 180 मीटर। अगली चीज है, उनकी जो साइड्स हैं उस पार्क की वो 7:6
5:6:7 के रेशियो पे है, यानी कि जो साइज है 5:6:7 के रेशियो में दिया हुआ है। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम साइड दिखा लेंगे कि पार्क की जो तीनों भुजाएं हैं, जो तीनों साइड्स हैं, वो कितनी लंबी है, उनकी क्या लंबाई है, और फिर उसके बाद हम फॉर्मूला लगा के उसका क्षेत्रफल, उसकी एरिया कैलकुलेट करेंगे। अगर साइड्स का रेशियो ये है तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा 5x + 6x + 7x = 180। 5, 6 और 7, 18x = 180। यहाँ से x कितना आ गया 10। तो अगर ये हमारा जो पार्क है वो रेक्टेंगुलर पार्क कैसा दिखता है, x की वैल्यू 10 आई तो 5 × 10 = 50 meters, then 60 meters, and this is 70 meters। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगुलर पार्क है, जिसकी जो भुजाएं हैं, भुजाओं की जो लंबाई है वो 50 meters, 70 meters एंड 60 meters। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि बराबर नहीं है तीनों साइड्स, तो हमें पता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हीरोज का सूत्र यूज करना है, तो हम उस फॉर्मूले को यूज करके एरिया निकाल सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको साइड्स का रेशियो दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है, आपको एरिया निकालना है। तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आप 12.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आता है तो वो आप पूछ सकते हैं, चाहे YouTube पे आप पूछिए, चाहे यहाँ पूछिए। अगले टर्न पे, अगले वीडियो के अगले पार्ट में जो सेकेंड एक्सरसाइज है, यानी कि एक्सरसाइज 12.2, हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।